नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रयागराज संगम नगरी की पावन धरती कोरोना महामारी में पड़ी सुनी। इस लॉकडाउन में दुकानदारों और गरीबों के हालात खराब बने हुए हैं। मां गंगा के पावन तट पर जहां हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता था, वहां आज केवल पटरी दुकानों की गरीब महिलाएं और रिक्शा चालक ही नजर आ रहे हैं। न श्रद्धालुओं का पता है, न ही गंगा में स्नान करने वाले नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस समय कोरोना महामारी में जो व्यक्तियों की मृत्यु हो जा रही है, केवल उनकी अस्थियां गंगा में प्रवेश करने वाले और गंगा किनारे शमशानों में जलाने वाले ही दिख रहे हैं। वहीं भारी भरकम पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस प्रशासन भी आज सभी शमशान घाटों का निरीक्षण किया और सभी को संदेश दिया कि मास्क लगाकर ही निकलें और सुरक्षित रहकर अग्निदाह करने की प्रशासन ने नसीहत दी। वहीं सारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। यही है कलयुग का प्रकोप जो कहर बनकर बरस रहा है। आज हर व्यक्ति परेशान है इस महामारी से, जिसका कोई इलाज नहीं है। बस परमात्मा ही मालिक है, अब सब उसी के हाथ में है। आज मीडिया की टीम गई संगम का नजारा दिखाने। यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझा गया। ये लोग भले कैसे मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की पावन धरती संगम नगरी में आज आपको कोरोना महामारी के बीच चलते हुए नजारा दिखाते हैं। संगम नगरी का ये नजारा है जहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज पावन धरती आज आपको ऐसी जगह लेके चल रहे हैं जो कि ये संगम नगरी है दारागंज। और यहाँ पे देखिए, गरीब रिक्शे वाले, कुंचा वाले, फकीर, आइए मिलाते हैं आपको। चार दिन लॉकडाउन के कारण ये बेचारे कैसे इनकी जीवित निकलेगी। ये महाराज जी, आप लोगों को कैसा दिन जा रहा है? खाने उन्हें कोई व्यवस्था है? सब है, कोई व्यवस्था नहीं है। इधर आइए, इनसे पूछिए। परम पूजनीय महात्मा जी से पूछिए, बैठे हुए हैं। बताइए, 3 दिन जो लॉकडाउन लगा उसमें आप लोग क्या सुविधा मिलेगी? अभी सुविधा क्या, गंगा माँ के गोद में बैठता हूँ। जैसे सरकार के लिए चले वैसे चलना ही पड़ेगा, साथ में क्या करे। सरकार की मजबूरी है, पब्लिक भी मजबूरी है। ना करे तो अलग परेशानी है, करे तो अलग परेशानी। इसलिए सरकार के साथ में हूँ। पवन धरती पे गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे ये हमारे बीच में है संगम नगरी में रिक्शा चालक। आप इनसे सवाल करिए, देख क्या माहौल है यहाँ का। दिन भर सवारी आप लोगों को मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती भैया। 10 रुपया अगर मिला, 10 रुपया मिला तो उसको खाया जाए, बच्चों बैंक बैलेंस किया जाए, कि दवा दारू लिया जाए, कि साग सब्जी खरीदा जाए। इसका ये रिक्शा आप लोगों को खुद का है या किराए का? किराए का। किराए कितना देते हैं? 300 रुपया। रिक्शा मालिक आप लोगों को सहूलियत देता है? क्या देगा उसको, तो शाम को चाहिए। कहता मेरी गाड़ी निकल गई, मुझको पैसा चाहिए। गाड़ी रूट पर आएगी। शासन प्रशासन या उत्तर प्रदेश सरकार से आप लोगों को कोई सुविधा मिल भी जाती है? कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। कोरोना महामारी के भीषण चलते हुए आपको दिखा रहे हैं यहाँ का क्या कंडीशन संगम नगरी का। दुकानदार बैठे हुए हैं, कोई भी आदमी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। जब बाहरी का आदमी कोई आएगा नहीं, यात्री कोई आएंगे नहीं, तो इनको क्या मिलेगा। ये भी रिक्शा लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, अपने समय काट रहे हैं, परिवार पालन करने में भी इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत जबरदस्त प्रयागराज संगम नगरी, दुकानदार, गरीब, रिक्शा वाले, विक्रम वाले, इस समस्या आज जब हमारी टीम दारागंज घाट पहुंची, वहां पे इनसे मालूम पड़ा कि गरीब कैसे आधा पेट खाता है और सोता है। आज आपको लेके चले यहाँ की महिलाओं जो दुकान लगा बैठी हुई हैं संगम नगरी में, इनसे पूछते हैं कैसे इनका घर का खर्च चलता है। 4 दिन का लॉकडाउन है आज, ये कैसे आप लोगों घर का खर्च कैसे चलता है? सर, हम लोगों की यहाँ दुकान खुली है, और जब दुकान खोलते हैं तो उसी से खर्च चलता है। अब सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन कर दिया है, 4 दिन में कभी यात्री कैसे आ पाते हैं, कुछ सारे मार्ग बंद किया तो यात्री आ ही नहीं पाते। हम लोग ऐसे दुकान खोल कर बैठे रहे, कोई इनकम नहीं हो पा रही है। तो 3 दिन दुकान आपको बंद रहेगी? बंद रहेगी 3 दिन।
अच्छा, तो खर्च कैसे चलेगा, पेट के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं सर, जो है कैसे गवर्नमेंट के आगे किसी की चल सकती है, और हम खाएं या मरे गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, बस उसे लॉकडाउन करना है तो करना है, ये चीज। समस्याओं का सामना कर रही संगम नगरी प्रयागराज की पावन धरती है ये, लोगों का कहना है कि इस धरती में माँ गंगा के किनारे कोई भी भूखा नहीं सोता है, लेकिन आज वो कंडीशन है कि यहाँ पर सारे दुकानदार और ये महिला शक्तियाँ भी, यहाँ रिक्शा चालक भी परेशान हैं, जब से यात्री ही नहीं निकलेंगे तो इनकी दुकानदारी नहीं हो रही है और ये समस्याएं का सामना कर पा रहे हैं। देखिए लॉकडाउन में भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सन्नाटा छाया हुआ है। क्राइम मीडिया प्रभारी आर के राठौर की रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार शकील खान।